नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका और एक नए वीडियो में। मेरा नाम है तेजस और आज हमारे पास है Redmi का Note 12 5G और Realme का 11 5G। यहाँ पे भी अगर देखेंगे दोनों भी हैंडसेट के 8 256 GB वाले वेरिएंट के अंदर सिर्फ 500 रूपए का डिफरेंस दिया है। Redmi के अंदर आपको मिलता है 19,500 रूपए में और Realme का जो हैंडसेट है ये दिया है आपको 20,000 रूपए में। तो 500 रूपए के डिफरेंस के अंदर कौन सा हैंडसेट यहाँ पे बेटर देखने को मिलता है तो आज हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे बैक साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे Realme के अंदर जो आपको डुअल रियर कैमरे का सेटअप दिया है और यहाँ पे Redmi के अंदर आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा और फ्लैश लाइट का सेटअप। बैक स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो दोनों भी हैंडसेट के अंदर ग्लास डिजाइन के अंदर बैक स्ट्रक्चर दिया है। Realme के अंदर आपको फिंगरप्रिंट के जो निशान है ये बैक साइड में देखने को मिलते हैं, लेकिन Redmi के अंदर फिंगरप्रिंट के जो निशान है ये बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा अलग टाइप में यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है और यहाँ पे जो ये Redmi का हैंडसेट आपको थोड़ा सा कर्व डिजाइन के अंदर देखने को मिल जाता है बैक साइड में। यहाँ पे जो बैक साइड में Realme का हैंडसेट थोड़ा सा ऐसा बॉक्स डिजाइन में दिया है और Redmi का हैंडसेट आपको कर्व डिजाइन के अंदर देखने को मिल जाता है। इन एंड फीलिंग यहाँ पे Realme के हैंडसेट के मुकाबले Redmi के हैंडसेट की काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। वेट और थिकनेस की अगर बात करते हैं तो Redmi का वेट दिया है 188 ग्राम और Realme का आ जाता है 190 ग्राम। थिकनेस के अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिया है। 8mm की थिकनेस Realme की आ जाती है, 7.98mm की जो थिकनेस है ये Redmi की दी है। इस साइड अगर देखेंगे तो दोनों भी फोन आपको वॉल्यूम अप डाउन की के साथ में आ जाते हैं। पावर की दी है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। नीचे की साइड में अगर देखेंगे तो स्पीकर टाइप सी चार्जिंग को हेडफोन जैक जो ये Realme के अंदर नीचे की साइड में दिया है, Redmi के अंदर ऊपर की साइड में मिल जाता है। और यहाँ पे IR ब्लास्टर का जो सपोर्ट है ये भी यहाँ पे Redmi के अंदर दिया है। कैमरे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का कैमरा Realme में दिया है बैक कैमरा और 48 मेगापिक्सल का Redmi के अंदर मिलता है। फ्रंट कैमरा Redmi में 13 मेगापिक्सल दिया है, Realme के अंदर आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल। बैटरी तो दोनों भी फोन के अंदर सेम दी है जो कि 5000mAh की है, लेकिन चार्जर के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस दिया है। यहाँ पे चार्जर जो ये Realme के अंदर आपको मिल जाता है 67 वाट का, Redmi के अंदर सिर्फ आपको 33 वाट का दिया है। कैमरा क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो फ्रंट कैमरे की जो क्वालिटी है एक एक करके वैसे आप इमेजेस देख सकते हैं। सेल्फी की क्वालिटी थोड़ी बेटर यहाँ पे Realme के अंदर देखने को मिलती है। कलर सैचुरेशन, शार्पनेस जो है ये भी यहाँ पे काफी अच्छे से देखने को मिलता है। कुछ इमेजेस जो हमने पोर्ट्रेट मोड में भी खींची है वो भी देख सकते हैं। Redmi के अंदर पोर्ट्रेट मोड के अंदर अगर इमेजेस कैप्चर करेंगे तो बैकग्राउंड जो इतनी अच्छी तरह से ब्लर नहीं होता जितना Realme के अंदर हो जाता है। Realme के अंदर आपको पोर्ट्रेट मोड काफी अच्छा दिया है। बैक कैमरे की अगर बात करेंगे तो बैक कैमरे की भी क्वालिटी यहाँ पे Realme की अच्छी दी है। कलर सैचुरेशन, शार्पनेस जो ये काफी परफेक्टली देखने को मिलता है। अगर आप इमेजेस को जूमिंग भी करेंगे तो काफी अच्छे से यहाँ पे जूमिंग भी हो जाता है Realme के अंदर Redmi के मुकाबले अगर देखेंगे तो। वैसे आप एक एक करके आप इमेजेस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले जो ये दोनों भी फोन के अंदर आपको डॉट पंचुअल स्क्रीन के साथ में दी है। डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे Realme के अंदर 6.72 इंचेस का डिस्प्ले दिया है और Redmi के अंदर आपको मिल जाता है 6.67 इंचेस। दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन मिल जाता है। यहाँ पे IPS LCD दी है Realme के अंदर और Redmi के अंदर जो आपको एमोलेड LCD मिल जाती है। और यहाँ पे दोनों भी फोन आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में मिलते हैं। टच क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो काफी अच्छी टच क्वालिटी यहाँ पे दोनों भी फोन के अंदर देखने को मिलती है आपको। साथ ही आपको Redmi के अंदर जो आपको Gorilla Glass का प्रोटेक्शन दिया है। ब्राइटनेस लेवल की अगर बात करेंगे तो ब्राइटनेस लेवल यहाँ पे Redmi के अंदर काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। वैसे आउटडोर के अंदर दोनों भी फोन को आपको ब्राइटनेस को लेकर दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन ज्यादा ब्राइटनेस जो है ये Redmi के हैंडसेट के अंदर देखने को मिल जाता है। 1200 निट्स का ब्राइटनेस लेवल दिया है और Realme के अंदर आपको 680 निट्स का। प्रोसेसर की अगर बात करेंगे तो Redmi के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon का 4Gen 1 का प्रोसेसर दिया है और Realme के अंदर MediaTek Dimensity 6100 Plus का। दोनों भी फोन के अंदर आपको Octa-core प्रोसेसर दिया है। क्लॉक स्पीड की अगर बात करेंगे तो 2GHz की क्लॉक स्पीड Redmi में दिया है और 2.2GHz की क्लॉक स्पीड Realme के अंदर। दोनों भी फोन आपको लेटेस्ट Android 13 के साथ में मिलते हैं और रैम टाइप दोनों भी फोन के अंदर LPDDR4X का आता है। सिक्योरिटी की अगर बात करेंगे तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में फेस अनलॉक, पैटर्न, पिन, पासवर्ड जैसे जो ऑप्शन है ये दोनों भी फोन के अंदर देखने को मिलते हैं।
अगर यहाँ पे आप दोनों में से एक हैंडसेट बाय करना चाहते हैं तो रियलमी का हैंडसेट थोड़ा बेटर देखने को मिल जाता है रेडमी के मुकाबले अगर देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे कैमरा क्वालिटी भी काफी अच्छी दी है, डिजाइन में भी थोड़ा सा न्यू लुक के अंदर आ जाता है, बॉक्सी डिजाइन दिया है और कैमरे का जो राउंड है बैक का वो भी थोड़ा सा अलग टाइप में देखने को मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे चार्जिंग की जो स्पीड है ये भी काफी अच्छा दिया है, चार्जर 67 वाट का दिया है। रेडमी की अगर बात करेंगे तो रेडमी के अंदर आपको चार्जिंग की स्पीड थोड़ी कम दी है, लेकिन डिस्प्ले के अंदर काफी अच्छा हैंडसेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले दिया है रेडमी के अंदर में, वो चीज यहाँ पे रियलमी के अंदर नहीं देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग की स्पीड जो ये थोड़ी कम देखने को मिलती है। अगर आप चार्जिंग की स्पीड देखेंगे, कैमरा क्वालिटी देखेंगे तो रियलमी का हैंडसेट काफी अच्छा देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।